हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, मैं लौकु सिंह HLB डिजिटल क्लासेस के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाए ताकि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। उसी क्रम में आज हम आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना सिखाएंगे कि कैसे हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी हमें वर्ब पहचानना होगा जो कि बोर्ड क्लास में 2 मार्क्स का पूछा जाता है। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि कैसे वर्ब को पहचानेंगे। पहले तो वर्ब होता क्या है? इंग्लिश में जो वर्ब होता क्या है तो बच्चों हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं। सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। इसी चीज़ को आज हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आइडेंटिफाई करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है और हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए बेटा, देखिए ये पहला सेंटेंस है मेरे सामने कि ही डॉट डॉट इन दिल्ली सिंस ही डॉट डॉट इन दिल्ली सिंस 1998 और इसमें बेटा हमको फिल करना है लिव। तो कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये लिव की कौन सी फॉर्म इस खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स में फिल की जाएगी? तो मैं बच्चों तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिएगा, पहली चीज़ तो ये कि इस सेंटेंस में मैंने देखा कि इन दिल्ली सिंस लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि सिंस और फॉर यदि सेंटेंस में लगा हुआ है तो तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि सिंस और फॉर केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। तो यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है तो उसमें विल सेल होगा, तो विल सेल का तो कोई मतलब नहीं है। अब ये डिसाइड करना है हमको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ब लगेगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ब लगेगा। तो एक चीज और याद रखिएगा कि जनरली अगर यस्टरडे दिया है या लास्ट ईयर दिया है ऐसी कंडीशन में हम लोग पास्ट की तरफ मुड़ते हैं, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब को फिल करते हैं। ओके बेटा, तो यहां पे जो लिव है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिल की जाएगी, हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998। अब देखिएगा बेटा, दूसरा क्वेश्चन है कि ही वॉज पनिश्ड फॉर ए नॉइस, ही वॉज पनिश्ड फॉर ए नॉइस, आपको फिल करना है मेक बेटा। तो एक सिंपल सा एक सेंटेंस याद रखिएगा कि हम लोग जनरली बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं ना, डू नॉट मेकिंग ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस, कुछ नहीं करना है, मेकिंग मेक में आपको एनजी जोड़ देनी है, मेकिंग ए नॉइस। एक्चुअली मैं यहां पे गेट वर्ब थी, गेट भरना था, इसलिए यहां पे माई फादर रेडी इन नो टाइम एंड हुरिस आउट एवरी डे। तो जनरली ये चीज याद रखिएगा कि एवरी डे टू डे जैसे शब्द यदि सेंटेंस में आते हैं तो आप ये समझिएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसलिए यहां पे जो वर्ब भरी जाएगी वो गेट में एस लगा के भरा जाएगा, गेट्स फिल किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 4 हम देखते हैं कि इट विल बी बाय टुमारो। तो एक ट्रिक बच्चों याद रखिएगा कि जब भी कभी तुमको बाई मिले
और बाई तभी मिलेगा जब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, और पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसलिए कंप्लीट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे बेटा फिल की जाएगी, कंप्लीटेड। अगला सेंटेंस नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि ही डॉट डॉट फ्रॉम फीवर सिंस स्टरडे, आपको फिल करना है बेटा सफर। तो मैंने अभी आपको बताया था कि सेंटेंस में देखना कि सिंस का यूज हुआ है या फॉर का यूज हुआ है। आपको मिल गया कि सिंस का यूज हुआ है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि सिंस और फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही लगता है, वो चाहे प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो। अब हम देखते हैं ट्रिक से बेटा, याद रखिएगा कि यदि यस्टरडे या लास्ट डे दिया हुआ है तो आप समझ लेना कि वो सेंटेंस पास्ट टेंस का है। अब देखो इसमें हमको ही डॉट डॉट फ्रॉम फीवर सिंस, तो ये क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो बेटा यहां पे हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे होगा। अगले सेंटेंस में चलते हैं बेटा, आंसर नंबर 6 है दे डॉट डॉट वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज, दे वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज, और बी इसमें फिल करना है। अब देखो कुछ नहीं करना है, पिछले दिनों से तो दे वेयर वर्किंग हार्ड फॉर 5 डेज का यूज कर देना है। ये बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। अब बच्चों 2 नंबर का आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, और उसके बाद 2 नंबर का आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना होगा, यानी वर्ब को पहचानना होगा। सेंटेंस आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको पहचानना होगा कि इसमें वर्ब कौन सी है। देखते हैं बच्चों सेंटेंस नंबर 1 पे हम लोग चलते हैं कि द स्काई ग्रू डार्क, और इन्होंने हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द वर्ब, हमको इसमें वर्ब ढूंढना है कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द है जो वर्ब का कार्य करता है। देखते हैं बेटा द स्काई ग्रू बढ़ना होता है, डार्क में होता है अंधकार, ठीक है कि आसमान अंधकार से भर गया है, तो ग्रू बेटा जो है ये वर्ब है। क्या है? ग्रू वर्ब है। दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई द वर्ब, द न्यूज लेफ्ट मी वरीड आइडेंटिफाई द वर्ब, यानी हमको इस सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना है। तो देखो बेटा द न्यूज तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेफ्ट वर्ब का काम कर रहा है, और मी ऑब्जेक्ट है, वरीड एडजेक्टिव है, इसलिए सेंटेंस नंबर 2 में जो हमारी वर्ब होगी वो लेफ्ट होगी। सेंटेंस नंबर 3 पे चलते हैं कि राम वाज वेरी लेबोरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो देखना बच्चों अच्छे से कि राम वाज वेरी लेबोरियस। अब इसमें एक कंफ्यूजन बेटा ये रहता है कि इसको वर्ब टू बी बोला जाता है, यानी वर्ब टू बी कौन कौन है, इज एम आर वॉज वेयर। अच्छा सॉरी रामू वॉज वेरी लेबोरियस, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें बेटा जो वर्ब है ये वर्ब टू बी है। तो एक बात को याद रखिएगा कि यदि इज एम आर वॉज वेयर के बाद वर्ब आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि आई एन जी होती है तो ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और यदि इन शब्दों के बाद कोई आईएनजी वर्ब नहीं आया है तो ये स्वयं मेन वर्ब का काम करते हैं। इसलिए यहां पे बेटा वाज यूज किया गया, लेकिन कहीं भी अगला वर्ब यूज नहीं हुआ जिसमें आईएनजी लगी हो, इसलिए बेटा ये वाज मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये वाज मेन वर्ब है। दे फाउट
सेंटेंस नंबर फाइव देखिएगा बेटा कि दे फाउट फॉर देयर नेशन आइडेंटिफाइड वर, वो अपने देश राष्ट्र के लिए लड़े। तो देखना बेटा इसमें कहीं कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो देश सब्जेक्ट का काम कर रहा है और फाउट मेन वर्ब का काम कर रही है, यही हमारी वर्ब है। सेंटेंस नंबर सिक्स देखते हैं बेटा, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। अब देखना इसमें भी वही कंडीशन आई है, माई फ्रेंड इज ए हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो देखना हार्ड वर्किंग मैन, ये आदमी कैसा है, हार्ड वर्किंग मैन है, इसलिए ये हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है बेटा, इसलिए यहां पे जो इज है ये मेन वर्ब का काम कर रही है। और लास्ट सेंटेंस हमारा है कि सी लिव्स इन मुंबई फॉर हर स्टडीज, आइडेंटिफाई द वर्ब। सी लिव्स इन मुंबई फॉर स्टडीज, तो देखना बेटा सी सब्जेक्ट हो गया, लिप्स वर्ब हो गई, कौन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं, यहाँ लिप्स में एस का यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पर लिप्स मेन वर्ब का काम कर रही है। तो प्यारे बच्चों ये आज का प्रैक्टिस सेशन था, और हमें आशा करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझे हैं, और हम और हमारा सारा स्टाफ ये कोशिश करेगा कि हम आप सबको लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहें, ताकि आप सभी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। थैंक यू।